मैम, बहुत लोग आपकी इनडायरेक्टली बुराई करते हैं, लेकिन आप उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खुश कुछ नहीं कहते हो। सच में आपसे पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगता है। यू आर बेस्ट टीचर। धन्यवाद कृष्ण वर्मा जी, अच्छा लगा। बाकी बिल्कुल, मैं जानती हूँ ऐसे लोग हैं और हमेशा रहेंगे और थे, और अभी तो मामला ख़राब ही है, क्योंकि मतलब मैंने कोशिश की हमेशा आप लोगों से जुड़ा जाए, आप लोगों तक मैं अपनी बात कह पाऊँ। मुझे इंटरेस्ट था लर्निंग में, और बाकियों का जो काम था वो यही था, और वो वही कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। कोई किसी से कुछ छीनता थोड़े ना यार, सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मुझे मज़ा आता है, कोई डर नहीं है। अगर ऐसे डर हो तो मतलब इतने सारा सब कुछ थियोरीज से लेकर के हर चीज़, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में और हमेशा रहेंगे। मैंने बात वही कही, अपने एटीट्यूड को ठीक रखिए, अपने नज़रिए को रीजनिंग के साथ रखिए। नेगेटिविटी जितनी भरेंगे उतने दुखी रहेंगे, ठीक। तो बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं है ऐसा कोई। और कई लोग तो बिना मतलब इधर उधर से सुन के ही बिना मतलब के, अरे यार ये तो मतलब बिना मतलब किलसते रहते हैं। उनके दिमाग में एक इमेज बन गया, एक परसेप्शन बन गया, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुन लिया कुछ बकवासबाजी। तो ये बड़ा गलत है। कभी भी किसी की भी सुन के अपने दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट मत करिए किसी भी व्यक्ति के बारे में। जब तक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो या फिर आपका कोई लेना देना ना हो, आप अगर मेरे बारे में कोई अगर परसेप्शन क्रिएट कर भी ले और वो डिसलाइक करके जाए या कुछ भी करके जाए, कुछ बुरा कमेंट करके जाए, मुझे कैसे प्रभावित होगी वो चीज़। मैं जो कर रही हूँ मैं वही करती रहूँगी। आप लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, जो मुझे पहुँचाना है, जो आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और हमेशा चलती रहेंगी। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप खुद को ही दुख दे रहे हैं ऐसा करके, है ना। तो आपके पर्सनल लाइफ में भी फिर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन लोगों के, जो लोग जानना नहीं चाहते लॉजिक के साथ, बस मान लेते हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं अंदर से, जिसने इतना बना लिया वो, उसको ये डर है कि खो ना जाए कहीं कहीं, ये इधर से उधर ना हो जाए। इसको अगर 500 करोड़ कमाया है तो इसको 1,000 कैसे करूं, है ना। तो जो डर में है, जो बाहरी चीजों के पीछे भाग रहा है, वो डरा हुआ ही मिलेगा। मैं बिल्कुल बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ रिस्पॉन्ड करना ऐसे लोगों को, क्योंकि कोई अर्थ नहीं है, है ना। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, फिर आपको जरूरी नहीं है आप सारे जमाने को जवाब दें।